क्लास नाम वेलकम टू न्यू क्लास। आप माशाल्लाह से 10th क्लास में 9th क्लास में आ गई है। आज से हम जो है अपने लेसन स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट लेसन जो है उसके वर्ड मीनिंग ब्रीफली डिस्कस अबाउट इट। इट मीन फर्स्ट लेसन यूनिट नंबर फर्स्ट। सबसे पहले उसके वर्ड मीनिंग, फिर उसकी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है याद रखें बच्चों, ट्रांसलेशन जो है वो अगर आप क्लासेस से देखेंगे, किसी भी बुक से देखेंगे, तमाम की डिफरेंट होगी, थोड़ा बहुत जो इसमें फर्क होगा, लेकिन मीनिंग सेम होगी। उसके अदायगी हो सकता है, कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन उसके मीनिंग जो है वो सेम होते हैं। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक ही वर्ड के जो है एक ही मीनिंग होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी एग्जांपल्स होते हैं, सेम होते हैं। तो ये टेंशन भी आपको लेने की, ये सारा हम जो है मैंने क्लास में ये वर्ड दिखाया हुआ है, इसकी मीनिंग ये है या फिर ये है, तो मीनिंग तकरीबन सेम होगी। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि हम लिखने को रीड करें, उसके जो है जहन में रखें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और कौन सा टेंस है। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो उसके जो है आपने टेंसेस के हवाले से जहन में रखना है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, अनपरफेक्ट और फ्यूचर, कौन सा टेंस है। उसी तरह से आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है, यानी उसपे जो है फिक्र को, उस जो सेंटेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए ट्रांसलेशन करनी है। तो ट्रांसलेशन में जो है वर्ड्स की थोड़ी बहुत अगर डिफरेंस है तो नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट नंबर 1 अपनी आप बुक्स पे ध्यान करें कि यूनिट नंबर 1 जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है मुजस्सम या पैकर। कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुजस्मे इंसाफ, पैकर इंसाफ, यानी इंसाफ के पैकर, इंसाफ के मुजस्सम। इसमें जो है लेसन के अंदर जो है मुसल्लम सलाम के मुनसफाना किरदार पर जो है रोशनी डालने के लिए उसका असना को बयान किया गया है। आप सलाम को उसका असना को खत्म ही नहीं हो सकता, जितना भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं, खत्म नहीं होगा। तब वो ये जिंदगी जो है वो इंसाफ, अदल, यानी जितने भी जिंदगी के मामला हैं उन्हीं पर उम्मीद है। तो सबसे पहले हम जो है इस लेसन में जो है जस्टिस, इंसाफ, परफेक्ट, मुकम्मल, परफेक्शनिस्ट का नाम होता है तकमील, मॉडल, नमूना, अटेन, हासिल करना, गुडनेस, अच्छाई या भलाई, पेटी, नेकी, इंडिविजुअल, इंफ्रादी। अगर इसके साथ एल वाई का दावा करना तो माना जाता है इंडिविजुअली, इंफ्रादी तौर पर। सोशल, सामाजिक, सीख, हासिल करना, गाइडेंस, रहनुमाई, अचीव, हासिल करना, परफेक्शन, कमाल। जैसे भी मैंने आपको बताया था परफेक्ट ये वर्ब है, परफेक्शन उसका नाउन है।
या तकमील। वर्क मॉरल अखलाकी स्पिरिचुअल प्रोफानी नोबल आला या अल्फा। आइडियल नमूना पैरेंट नंबर टू जस्ट मुझसे इसी से तो जस्टिस इंसाफ करने वाले यानी काजी। इक्विटेबल आदर या मुनसफाना। ट्रेडर ताजर डीलिंग लेन देन कारोबार। डिस्प्यूट लड़ाई यानी छोटी छोटी लड़ाइयां झगड़ा तनाजा। रिगार्डिंग से मुताल्लिक कॉन्फ्लिक्ट जंग या तनाजा। एडवाइस तजवीज पेश करना नसीहत करना। सो स्टूडेंट दिस आर द वर्ड्स इन पैराग्राफ फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ। लिसन अटेंटिवली। हेलो कॉलेज लोग, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन गुडनेस पाइटी एंड सक्सेस इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लाइफ। कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा लाइफ जिंदगी हयात तैयबा परफेक्ट मुकम्मल मॉडल नमूना है एंड एग्जाम्पल फॉर द पीपल और लोगों के लिए मिसाल है। वो वन प्रोटीन जो हासिल करना चाहते हैं क्या गुडनेस अच्छाई पाइटी तकवा जहर नेकी एंड सक्सेस इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लाइफ। अपनी इंफरादी और समाजी जिंदगियों में कामयाबी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा लोगों के लिए मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो अपनी इंफरादी और समाजी जिंदगी में भलाई नेकी और कामयाबी चाहते हैं। People can see light from the message and guidance from his life, achieve perfection in the moral, spiritual and social area of life. People, log can see, hasil kar sakte hain, light, hidayat ya noor from the message पैगाम से एंड गाइडेंस और रहनुमाई से फ्रॉम हिज लाइफ टू अचीव। इसलिए हासिल करने की खातर क्या चीज परफेक्शन कमाल यानी इफ यू वांट टू अगर आप कमाल हासिल करना चाहते हैं बहुत बड़े आगे होना चाहते हैं अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें रसना बराबर बाहर लीजिए। सो लोग जिंदगी के अखलाकी रूहानी और सामाजिक दायरे में कमाल दर्जा हासिल करने के लिए उनके फरमान से नूर हिदायत और उनकी जिंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। He has set very high and noble ideal through his practical examples for all mankind to follow in every field of life. He has set very high and noble ideal. आपने बहुत बड़े और
नमूने पेश किए थ्रू हिज प्रैक्टिकल अपनी अमली एग्जाम्पल मिसालों से फॉर ऑल मैनकाइंड तमाम इंसानियत के लिए टू फॉलो रहनुमाई के लिए पैरवी करने के लिए इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ जिंदगी के हर शोबे में। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर शोबे में तमाम बड़े इंसानों की खातर सिर्फ यही नहीं मुसलमानों के लिए हो ठीक है तमाम बड़े इंसान के लिए रहनुमाई के लिए अपनी अपनी मिसाल के जरिए इंतहाई आला वर्दा नमूने कायम कर दिए हैं। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली अमली तौर पर प्रूव्ड साबित किया दैट के नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल देन द रसूल ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई भी अल्लाह के रसूल से बढ़कर आदर और मुनसिब जो है नहीं हो सकता। As a young trader, एक नौजवान ताजर की हैसियत से as a young trader, he earned the good reputation. आपने हासिल की अटेन हासिल की अर्न हासिल की कमाई की कमाना हासिल करना the good reputation, अच्छी शोहरत reputation, शोहरत being an honest fair and just businessman क्या तला सलम ने अच्छी शोहरत हासिल की एक ईमानदार दयानतदार और मुनसिब कारोबारी शख्स के हैसियत से he always had their had fair and just dealing आपने हमेशा लेन देन में खरेपन से काम लिया विद ऑल पीपल तमाम लोगों के साथ when the Kaaba was being constructed जब Kaaba की तामीर हो रही थी there arose a dispute एक झगड़ा खड़ा हुआ arose खड़ा हो गया पैदा हो गया dispute तनाजा झगड़ा इनमें अमान कर लोगों में किस लिहाज से रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन जस्बत के लिहाज से हिरवाई अपने नसीहत फरमाई अपने तजवीज पेश की द मोस्ट इक्विटेबल बहुत ही मुनसफाना प्लान तजवीज दी फॉर द सेटिंग ऑफ ब्लैक स्टोन हजरे असद के नस्ल करने के लिए दिस प्लीज एवरीवन इससे हर कोई खुश हो गया एंड सेव देम फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट और उन्हें जंग कबाइली जंग से बचा लिया। तो ये वो वाक्य था कि जब आप ने जो है एक टाइम है इक्विटेबल जो है प्लान किया वो लोग मतलब ट्राइब के लोग हैं कबाइल के लोग हैं आपस में झगड़ रहे थे हजरे असद को हमने नसब करना है हजरे असद को हमने नसब करना है तो आप ने देखा कि लोगों के दरमियान जो है झगड़ा उठ रहा है लड़ाई हो जाएगी तो दो बारे हो जाएगी तो अल्लाह सलम ने जो तशरीफ लाए और हजरे असद को कहा कि जाओ एक चादर लेके आओ हजरे असद को उसने रखा और आप तमाम के लिए चादर से हम उसे पकड़ कर जो है हजरे असद के मुकाम पर जो है रख दे इस तरह से जो है वो तमाम कबाइल जो है उस कॉन्फ्लिक्ट से उस जो है झगड़े से बच गए और ये एक आपने जो है जो है अच्छा जो है कबाइलों के लिए जो है एक प्लान दिया जिससे वो भाई झगड़ों से बच गए। तो सो बच्चों ये आपके जो है फर्स्ट टू पैराग्राफ के वर्ड भी नहीं लिखे और ट्रांसलेशन भी थे उम्मीद है कि आपको जो है काफ़ी कुछ पता चल गया होगा काफ़ी समझ आ गई होगी मजीद को नो टेंशन किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो आप जो है स्कूल के जो है नंबर पर या जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर जो है आप कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप जो है बता सकते हैं आई ट्राई द बेस्ट
कि हम जो है अभी कोशिश करेंगे तो सॉल्व योर प्रॉब्लम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।